डाटा इनपुट पोर्ट सेंड टू आउटपुट पोर्ट इन मेमोरी मैप इंटरफेसिंग, यानी कि जब हम किसी डाटा को इनपुट कराते हैं तो वो आउटपुट के साथ कैसे इंटरफेस करती है। इसमें हमें ट्राई स्टेट बफर का यूज़ किया गया है और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 8085 जिसमें इसका रजिस्टर शो किए गए हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर करेंगे, और ये आउटपुट पोर्ट जो कि हमारे ट्राई स्टेट बफर के साथ इंटरफेस करेगा। हमारा ट्राई स्टेट बफर नंबर ऑफ स्विचेस के साथ कंबाइन है जो कि S0 से S8 से डिनोट किया गया है जिनको 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। और हमारा ट्राई स्टेट बफर आउटपुट और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंबाइन है, और हमारे आउटपुट पोर्ट डिफरेंट टाइप के सिस्टम के साथ कंबाइन है जो कि हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जैसे कि हमारा स्विच ऑन ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हमें एग्जांपल जैसे कि हमने इसमें टोटल 8 स्विचेस का यूज़ किया है जो कि 0 से 7 तक डिनोट किए गए हैं। अगर हमारे पास इसमें से कुछ स्विच कंबाइन हैं जिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, जैसे कि हमारे 0, 1, 2, 3 और स्विच 6 जो कि हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और इन सब में से 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, लेकिन S7, S5 और S4 ये हमारे ऑफ स्विच हैं जिस पे से कोई सप्लाई नहीं जा रही, यानी कि जिन में से हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है ये हमारे ट्राई स्टेट बफर को अनेबल करेंगे। हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 0 क्योंकि S7 पे कोई सप्लाई नहीं है, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 जिन पे सप्लाई जा रही है वो एक्टिव हाई है और जिन पे नहीं जा रही वो एक्टिव लो है, यानी कि ये हमारा 4 और ये हमारा F सिग्नल। इस जब ये हमारी सप्लाई जाती है तो हमारी ट्राई स्टेट बफर अनेबल होता है और इसमें से जो हमारा डाटा प्रोड्यूस होता है 4F ये एक तो जाके हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, और सेम डाटा हमारे आउटपुट पोर्ट में जाता है। और वैसे ही बाइनरी जो कि यहाँ पे क्रिएट हुई थी, बाइनरी यानी कि 0100111 बाइनरी नंबर क्रिएट हो जाएंगे हमारे आउटपुट पोर्ट पे जो कि एक्टिव हाई है यानी जिन पे सप्लाई जा रही है, इन सब के कोरस्पोंडेंस रिले कनेक्टेड हैं, यानी कि जिनमें से सप्लाई जा रही है वो रिले तो एक्टिव हो जाएंगे और जिसमें सप्लाई नहीं जा रही वो एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि ये एक्टिव नहीं होगा, ये इसके कोरस्पोंडिंग रिले होगा वो एक्टिव होगा, ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे, नेक्स्ट है इन सब के रिले एक्टिव होंगे, यानी कि जो एक्टिव हाई हैं उनके कोरस्पोंडिंग जो रिले हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आउटपुट पोर्ट वर्क करना स्टार्ट करेगा। और जो सिस्टम हमारे रिलेज के साथ कंबाइन है जो जिन पे सप्लाई जा रही है वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे ये सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं जिन पे से हमारी सप्लाई जा रही है, यानी कि 1 ये एक्टिव हाई था इस पे सप्लाई जा रही है और ये लास्ट के 4 इन सब पे सप्लाई जा रही है और ये वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारा इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक डाटा सेंड होता है और हमारे सिस्टम वर्क करते हैं जो कि हमारे आउटपुट के कोरस्पोंडेंस जुड़े होते हैं रिले के साथ।